हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार, आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। रूरल डेवलपमेंट करंट चैलेंजिंग फेसिंग इंडियन इकोनॉमी जो यूनिट है उसमें बहुत सारे चैप्टर है। तो आज हम लोग रूरल डेवलपमेंट चैप्टर का एमसीक्यू, जो टॉप या मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, उसको देखेंगे। चैप्टर पढ़ाया हुआ एक वीडियो में एक चैप्टर, तो प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर को भी पढ़ लेना है। तो बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रूरल डेवलपमेंट। आज इंडिया में अप्रोक्स 65% पॉपुलेशन गांव में रहती है, तो एक ज़्यादा पॉपुलेशन जिस क्षेत्र में उधर डेवलपमेंट भी डेवलपमेंट का आवश्यकता है, तो इसीलिए रूरल डेवलपमेंट आप लोगों में एक चैप्टर रखा गया है ताकि इस पर ध्यान दिया जा सके। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द प्रॉब्लम फेस्ड इन रूरल, जब आज़ाद हुआ तो उस समय 80% पॉपुलेशन था, अभी 65% है, ठीक है। इंडिपेंडेंस के समय उतना था, बढ़ चुका है। द प्रॉब्लम फेस्ड इन रूरल बैंकिंग आर, अब देखिए गांव में बैंक को खोला जा रहा है कि थोड़ा सा उसमें क्रेडिट दिया जाए, लोन की फैसिलिटी दिया जाए ताकि लोगों को लोन मिले, लोगों ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके, प्रोडक्शन कर सके। इसके लिए तो बैंकिंग जो यहाँ पे सेक्टर खोल रहा है तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना है, या फिर प्रॉब्लम फेस्ड इन रूरल बैंक, हाँ क्या क्या प्रॉब्लम है तो उसके बारे में बताना है आपको। तो कह रहा है इनसुफिशियंट रूरल क्रेडिट, रूरल क्रेडिट उतना नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए था। क्रेडिट मैंने क्या, उधार, तो उधार सुफिशियंट नहीं है। इसके बाद ग्रोविंग ओवर ड्यू, उधारी वगैरह भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। इनएडिक्यूट अमाउंट ऑफ सैंक्शन यानी कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह उन लोगों को गिरवी रखने के लिए नहीं रहता है, तो ये सब प्रॉब्लम हो जाते हैं बैंक के सामने, गांव के लोगों के सामने जब खोलते हैं। तो पहला तो है कि इनसुफिशियंट है, यानी कि सुफिशियंट कहने का मतलब कि शहर में कोई लोन लेता है तो कोई टाइम फिक्स रखता है या फिर पैसा वगैरह फिक्स, गांव में है कि कुछ समय के लिए मांगेगा कुछ समय के लिए नहीं मांगेगा, तो ये सब दिक्कत है, ठीक है ना। कितना पैसा ज़्यादा तो कभी लेता नहीं, कम बेसी करके। तो ज़्यादातर गाँव तरफ क्या करता ना है कि आपका फॉर्मल सेक्टर से नहीं लेता है, इनफॉर्मल से लेता है, रिलेटिव वगैरह से ले लेता है, तो ये सब भी उतना लोन वगैरह नहीं ले पाता है, तो ये भी कारण हो जाता है। और लेता भी है तो उधार ही लगा देता है, बढ़िया से जमा नहीं कर पाता है, और साथ ही साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी नहीं रहते हैं। तो सारे के सारे प्रॉब्लम यहाँ पर है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज मारिएगा और कोई दिक्कत ज़्यादा लीजिएगा, लोन वगैरह नहीं। चलिए सेकेंड क्या है, देखिए सेकेंड में आपको बताते हैं क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा पढ़ाएं पहले तो भूल गए, हमको थोड़ा सा रिकॉल कराने में आप लोग को टाइम देंगे। कह रहा है कि इज द अपेक्स बॉडी, जैसे कि हम लोग का RBI है, सुप्रीम कोर्ट है, तो उसी प्रकार एक अपेक्स बॉडी है, ठीक है ना। कौन बॉडी है तो फिल इन द ब्लैंक्स भरना है आपको। विच कोऑर्डिनेट द फंक्शनिंग, जो कि तालमेल बैठाता है कार्यक्रम करने में, कोई भी क्रियाकलाप करने में, ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट वर्किंग फॉर एक्सपेंशन ऑफ रूरल क्रेडिट, अलग अलग क्रेडिट में जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है तो कैसे काम करें, तो उन लोग में तालमेल बैठाने का काम करता है। तो कौन सा वो अपेक्स बॉडी है, ठीक है, क्या तालमेल बैठाने में, जो भी इंस्टीट्यूट है लोन देने के जो काम करते हैं गाँव में, तो उनमें अच्छा से सब कुछ काम हो सके, फंक्शनिंग हो सके, तो उसके लिए देखभाल कौन करता है। जैसे कि RBI सारे बैंकों को देखभाल करता है, तो उसे गांव में कुछ जो बैंकिंग है उन सब बैंकिंग को देखभाल करने वाला कौन है। तो NABARD का नाम सुने होंगे, नेशनल एग्रीकल्चर कुछ डेवलपमेंट करके था ना, इसका फुल फॉर्म देखना होगा, मेरा माइंड से भी निकल रहा है। और तो फुल फॉर्म देखिएगा, चैप्टर पढ़ाते वक्त बताए थे कुछ, नेशनल एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट ऐसे अगर कुछ है देखना होगा। तो ये फैसिलिटेट करता है, तालमेल बैठाता है सब में, तो इसको याद रखिएगा। NABARD जो है, जो गांव के बैंक को जो है ना, उन लोग पे देखभाल करने का काम करता है, तो NABARD का यहाँ पर याद करिएगा। चलिए, अ स्कीम ऑफ द माइक्रो फाइनेंसिंग इज एक्सटेंडेड थ्रू, ठीक है, क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, माइक्रो फाइनेंसिंग छोटे लेवल पर फाइनेंस यानी कि लोन वगैरह काम, तो एक्सटेंड किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा, फिर लैंड डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, NABARD के द्वारा, या फिर रीजनल रूरल बैंक, बताइए। स्कीम फॉर माइक्रो फाइनेंसिंग इन द एक्सटेंडेड थ्रू, माइक्रो फाइनेंसिंग का स्कीम को कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो सबसे अच्छा यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप भी हो सकता है, लैंड डेवलपमेंट बैंक NABARD, या फिर रीजनल रूरल बैंक। सेल्फ हेल्प ग्रुप यहाँ पर बेस्ट होगा, देखते हैं इसका आंसर। सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि जो छोटे ग्रुप होते हैं गांव में, उन लोग खुद से अपना लोन वगैरह का काम करते हैं, लेन देन करने का काम करते हैं, ठीक है ना। इसका सबसे बेस्ट आपका एग्जांपल आता है, क्या नाम है उसका, सेल्फ हेल्प ग्रुप केरला वगैरह में खुला था, तो बहुत ही इसमें खुद लोग पैसा जमा करते हैं खुद वगैरह। थोड़ा चैप्टर पढ़िएगा, सब कुछ रिकॉल हो जाएगा एक बार। चलिए इसके बाद, नेम द स्टेट विच इज हेल्ड एज द सक्सेस स्टोरी इन द, क्योंकि चैप्टर बहुत पहले पढ़ाया हुआ है, इन द एफिशियंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिल्क कोऑपरेटिव के लिए कौन सा जो स्टेट है यहाँ पर, नेम द स्टेट विच इज हेल्ड एज
अ सक्सेस स्टोरी इन द इफिशियंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिल्क ऑपरेटिव। मिल्क ऑपरेटिव को लागू करने में कौन सा स्टेट है जो कि सक्सेसफुल स्टोरी यहाँ पर बताता है, उस स्टेट का है, ठीक है। तो कौन स्टेट है? महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, गुजरात और आंध्र प्रदेश। तो मिल का एक बहुत बड़ा कोऑपरेटिव है जिसका नाम सुने होंगे, आज तो इंडस्ट्री बन चुका है, अमूल पहले कोऑपरेटिव था। तो कोऑपरेटिव में क्या होता है, कुछ लोग खुद से जमा करते हैं, कोई भी अपने कोऑपरेटिव बनाना होता है। तो एक जगह है गुजराती में, क्या नाम था उसका, जगह का नाम मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ, और आनंद, आनंद नाम है प्लेस का। तो आनंद में क्या होता था, कुछ लोग थे जो दूध वगैरह का बेचने का काम करते थे, गांव था, तो क्या करते थे कि बिचौलियों को देते थे, मिडलमैन को देते थे। मिडलमैन जाके मुंबई में, वहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर पे, मुंबई बहुत बड़ा जानवर पॉपुलेशन वाला कंट्री है, तो वहाँ पर बेच देते थे और बहुत ज़्यादा मार्जिन का पैसा मिडलमैन अपने हाथों में ले लेता था। तो इन्होंने क्या किया वहाँ के लोग कि नहीं, हम लोग अपना दूध किसी को नहीं बेचेंगे, हम लोग खुद से जमा करेंगे और डायरेक्ट जाके हम लोग वहाँ पर सेल करेंगे उसी मार्केट में, मुंबई वाला मार्केट में। तो उसी प्रकार कोऑपरेटिव का गठन हुआ जिसका नाम हम लोग अमूल के नाम से जानते हैं। तो इसी अमूल आज कंपनी बहुत बड़ा बन चुका है, तो इस स्टेट का काफ़ी यहाँ पे योगदान है, अपना स्टोरी को बनाए रखा है लागू करने में, क्या मिल्क कोऑपरेटिव को, ठीक है। तो थोड़ा सा डीप में इस चैप्टर को पढ़िए, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, तो ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है। चलिए इसके बाद गुजरात, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन इंस्टीट्यूट। अगर स्टोरी से सुनने में थोड़ा सा क्या होता है ना, याद हो जाता कोई भी टॉपिक, तो रिलेट करके पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट। अब माइंड में आना चाहिए कि नॉन इंस्टीट्यूशनल है तो इंस्टीट्यूशनल भी होता है, दोनों होता है, जिसको फॉर्मल इनफॉर्मल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा यहाँ पे दिया हुआ जितने भी डाटा, विच ऑफ नोट ए नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट, यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशनल नहीं है, यानी कि इंस्टीट्यूशनल है। तो बताइए आपका रिलेटिव मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स एंड कॉमर्स एजेंट, एफ इन डेवलपमेंट बैंक। तो जो इंस्टीट्यूशनल है तो लैंड डेवलपमेंट बैंक हो गया, ये सब तो हमारे रिलेटिव होते हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं, यानी कि सब इंस्टीट्यूशनल होते हैं, सॉरी नॉन इंस्टीट्यूशनल होते हैं। तो नोट एग्जाम में छूट जाता है ये टॉपिक, ठीक है ना, यहाँ के चलते आंसर भी गलत हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, नोट लगा दिया है, एक सेकेंड, ठीक है। लैंड डेवलपमेंट बैंक हो गया। सिक्स नंबर क्या है, वाई इज़ द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट द्वारा MSP क्यों फिक्स किया जाता है, बताइए। ये भी आपको सोचने वाली बात है कि सरकार क्यों पैसा पहले बोल देती है कि हम इतना पैसा देंगे, आप गेहूँ उपजाइए, आप चावल उपजाइए, मैं इतना दूंगा, कोई ले या ना ले, कहीं बिके या ना बिके, कुछ भी आप बाढ़ आ जाए, ख़त्म हो जाए, सॉरी बाढ़ नहीं है, मतलब मार्केट में वैल्यू बहुत गिर जाए प्रोडक्ट का, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं आपका प्रोडक्ट का इतना दूंगा तो दूंगा। तो क्यों ऐसा गवर्नमेंट क्यों करती है, बताइए। पहला, फॉर द डेवलपमेंट, फॉर द गवर्नमेंट ऑन बेनिफिट, सरकार अपना बेनिफिट देखती है इसीलिए MSP को देती है, या टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर, या फार्मर के इंटरेस्ट, जो उसका इंटरेस्ट है उसको बचाए हुए रखते हो, फार्मर जो चाहता है कि हमको ये सब चाहिए तो उसको बचा के रखता है, इसीलिए सेफ गार्ड सेविंग का काम करता है, टू सेव द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, या कंज्यूमर के इंटरेस्ट को सेव करने के लिए, या फिर नॉन ऑफ दीज। तो आपका जब भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का बात आएगा तो कंज्यूमर मत रखिएगा, माइंड में क्या रखिएगा, फार्मर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट एंड बेस्ट, देख लीजिए आंसर, ठीक है ना। चलिए, अब ब्लू रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ, देखिए इसके लिए कम्युनिटी भी डाले थे कि ब्लू रिवोल्यूशन के साथ साथ आपको ग्रीन रिवोल्यूशन, गोल्डन रिवोल्यूशन, व्हाइट रिवोल्यूशन, ये सब के बारे में जानना है, कौन से भारत में फाउंडर थे, क्या थे, सब कुछ। तो ब्लू रिवोल्यूशन भी एक प्रकार का रिवोल्यूशन है जो मछली वगैरह जो होता है उसके क्षेत्र में। देखिए एक गोल्डन रिवोल्यूशन आपका, ग्रीन रिवोल्यूशन तो जानते हैं खेती में होता है, एम एस स्वामीनाथन इसका फादर वगैरह थे जो भी, तो खेती में होता है। आपका गोल्डन रिवोल्यूशन हॉर्टिकल्चर में होता है। इसके बाद ब्लू आपका मछली में होता है, याद रखिएगा। और मछली का हम लोग, मछली का वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे हम लोग एक्सपोर्टर हैं, समझिए। सब हम लोग इनलैंड करते हैं ज़्यादा फिशिंग इनलैंड, मेरीन नहीं, समुद्री नहीं, हम लोग मार्केट के अंदर, सॉरी कंट्री के अंदर ज़्यादा फिशिंग करते हैं, से तीसरा है। अगर समुद्र पर करने लगेंगे फिशिंग तो हम लोग वर्ल्ड में फर्स्ट हो जाएंगे, जो कि हम लोग मिल्क प्रोडक्शन में फर्स्ट हैं, हॉर्टिकल्चर में शायद सेकंड आते हैं, ठीक है ना। राइस का प्रोडक्शन एक्सपोर्टर में फर्स्ट है, राइस का प्रोडक्शन में चाइना का फर्स्ट आता है, लेकिन वो ज़्यादा खा जाता है, हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट कर जाते हैं। तो वर्ल्ड में सब रैंकिंग याद रखिए, सब याद करने से क्या होता है ना कि एग्जामिनेशन में जब लिखिएगा आंसर वगैरह सब डालिएगा तो आपका रिजल्ट बेस्ट होने का चांस रहता है। खैर ऑब्जेक्टिव है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डीप में पढ़िए, जिंदगी भर ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, ऑब्जेक्टिव 12th में आइए सब्जेक्टिव हो जाएगा, तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए। चलिए 8th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स अंडर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में फॉल्स मतलब कौन इसके अंदर में आता है, ग्रामीण बैंक, अनऑर्गेनाइज
ऑर्गेनाइज में दूसरा, कोऑपरेटिव बैंक, मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर्स, और साथ ही साथ लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। तो बैंक्स इसी हिसाब रखिए, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाएगा, यानी कि फॉर्मल सेक्टर में आ जाएगा, ठीक है। इनफॉर्मल यानी कि अनऑर्गेनाइज, तो मनी लेंडर एंड ट्रेडर्स, ठीक है। ये अनऑर्गेनाइज है, यहाँ पे ना ही टाइमिंग काम करने का फिक्स है, ना ही वेतन फिक्स है, ना ही कुछ भी यहाँ पर फिक्स नहीं है, ना कोई फैसिलिटी दिया जाएगा एक्स्ट्रा में, ना मेडिसिन वगैरह कुछ भी नहीं। तो अनऑर्गेनाइज में सब फैसिलिटी होता है, ठीक है ना। मनी लेंडर केवल काम करवाएगा ये सब और पैसा आपसे ऐठ लेगा। चलिए, 14 मेजर कमर्शियल बैंक वेयर नेशनलाइज, बैंकों को नेशनलाइज कर किया गया था 14 को। तो कब किया गया था राष्ट्रीयकरण कब, 1980 में आई थिंक। रुकिए, हमको थोड़ा सा रिकॉल करने दीजिए, क्योंकि पढ़े थे ये भी चैप्टर हम भी। मेजर कमर्शियल बैंक वेयर नेशनलाइज इन द 1975-1991, तो कमर्शियल बैंक नेशनलाइज 80 होना चाहिए, 80-90 दोनों में कन्फ्यूजन था, 80 और इसमें कन्फ्यूजन था, ठीक है। तो 80 में शायद नबार्ड वगैरह का छोड़ी मान में जो आएगा उसको 91 एक और घटना हुआ था कमर्शियल बैंक को, यही ठीक है, क्योंकि क्लास 12 में एक चैप्टर पढ़ाया था, क्या था नाम उसका, जिसमें कि कमर्शियल बैंक और क्या बोलते हैं एक और RBI जो बैंक है, वो दोनों बैंक में रिलेशन, तो यही 1979 था, 1980 भी कुछ पढ़े घटना ताज़ा है तो देख लीजिएगा, ठीक। तो 1969 में बैंक को नेशनलाइज किया गया था। कम्स अंडर द हॉर्टिकल्चर, जो बता दी ऊपर बताए, हॉर्टिकल्चर में क्या आएगा, फीस, जी नहीं, फीस तो आपका आता है दूसरा में, पोल्ट्री, सॉरी। कम्स अंडर हॉर्टिकल्चर में कौन आएगा, फ्लावर इफिन एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर बागवानी करना, तो बागवानी करना, तो यहाँ पर आपका फ्लावर से बागवानी करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। और हॉर्टिकल्चर के बारे में एक और आपको मैं डाटा देना चाहूँगा, 11% लैंड कोई लेता है, जो भी जितना भी खेती होता है उसमें मात्र 11% हॉर्टिकल्चर लेता है, और इसका GDP का कंट्रीब्यूशन सुनिएगा तो 30% सोच रहे हैं, कंट्रीब्यूशन लैंड का मात्र 11th, सबसे कम, उतना नहीं, लेकिन GDP में कंट्रीब्यूशन 30%। तो आपका हॉर्टिकल्चर करना चाहिए और काफ़ी से पैसा वगैरह भी बनता है, समझिए, हॉर्टिकल्चर में आपका फूल वगैरह, फ्लावर। अब गुलाब का फूल का बात सुनिए, ये आता है क्या बोलते हैं वेलेंटाइन सब, 25-30 रुपये में एक गुलाब का फूल, 25-30 में क्या होता है, 25-30 में तो आपका 1 kg चावल वगैरह हो जाएगा, खाना दो टाइम का हो जाएगा, तो ये सब भी महंगा रहते हैं, सबका बहुत ही मार्केट में डिमांड भी है, और क्या बताया भी कि GDP में कंट्रीब्यूशन वगैरह भी सबका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, हम लोग केवल खेती पर, खेती नहीं, खेती के साथ और डाइवर्सिफाई, क्या बोलते हैं, डाइवर्सिफिकेशन को करना है, खेती को डाइवर्स करिए, अलग अलग खेती करिए, प्रोडक्ट में डाइवर्सिफिकेशन करिए, अलग अलग प्रोडक्ट करिए, साथ ही साथ खेती में डाइवर्स करिए, मैंने पोल्ट्री फार्मिंग करिए, एनिमल हस्बेंड्री करिए, सब कुछ करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अकाउंट फॉर द लार्जेस्ट शेयर इन लाइव स्टॉक सेक्टर इन इंडिया, लाइव स्टॉक सेक्टर में विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स, कौन सा यहाँ पर जो अकाउंट बताना है इसमें, फॉर द लार्जेस्ट शेयर इन लाइव स्टॉक सेक्टर इन इंडिया, लाइव स्टॉक सेक्टर में सबसे ज़्यादा शेयर है कौन सा, यहाँ पर सारे जो डाटा रखे हुए हैं, इन सब में से किसका शेयर सबसे ज़्यादा है लाइव स्टॉक में, ठीक है। तो लाइव स्टॉक में होता है पशुपालन ये सब, तो केटल, गोट, पाइंस एंड म्यून्स और पोल्ट्री, तो पोल्ट्री फार्मिंग हर जगह रहता है, तो इसी का शेयर सबसे ज़्यादा रहेगा कहाँ पर, लाइव स्टॉक में, ठीक है, बेस्ट हो गया, याद रखिएगा। चलिए, एग्रीकल्चर मार्केटिंग डज नॉट कंप्राइजेज ऑफ, एग्रीकल्चर मार्केट में क्या नहीं होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द मार्केटिंग प्लेस फॉर सेल, बेस्ट है तो होता ही है, ग्रेडिंग फॉर द प्रोडक्ट के लिए ग्रेडिंग भी किया जाता है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 करके, सो क्वालिटी कितना है अकॉर्डिंग टू क्वालिटी, स्टोरेज ऑफ, ग्रेडिंग कैसे करें, क्वालिटी के अनुसार ना, स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस फॉर सेल इन फ्यूचर, ठीक है, उसके लिए भी स्टोर भी करेंगे, क्रेडिट इज टेकन टू द मीट एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर, अब आपको एग्रीकल्चर मार्केटिंग में क्रेडिट वगैरह का बात नहीं आएगा, ठीक है, वो केवल एग्रीकल्चर में, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीनों का तीनों सही है, और लोन वगैरह का मार्केटिंग में नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट एंड बेस्ट। व्हेन वाज द नेशनल बैंक फॉर रूरल, नबार्ड का फुल फॉर्म आ गया, देखिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका नाम ही से इसका अर्थ निकल जाता है, नेशनल बैंक है, ठीक है, फॉर किसके लिए है, एग्रीकल्चर के लिए और रूरल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है ना, किधर, गांव में रहेगा सेटअप। तो नबार्ड का फुल फॉर्म याद रखिएगा, हम भी भूल गए थे, नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, NBARD, नेशनल बैंक, ठीक है ना। तो कब इसका गठन हुआ था, गठन कब हुआ था इसका, 82 में, देखिए इसी का डेट वहाँ पर हमको फिक माइंड में चला, तो 80 बोल दिए थे, 82 में हुआ था इसका, देख लीजिए, ठीक है ना,
क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन देखते हैं उसका आंसर आ जाता है माइंड में, पढ़ा हुआ ये सब। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द असेंबलिंग स्टोरेज प्रोसेसिंग ट्रांसपोर्ट पैकिंग ग्रेडिंग, आ चुका सब कुछ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर कमोडिटी। तो सब एग्रीकल्चर मार्केटिंग में आ जाएगा, ये सब काम करना, स्टोरेज करना, प्रोसेस करना, ये सब तो कहाँ पे आता है, ग्रेडिंग वगैरह। अभी देखे थे एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहीं पे लिखा होगा बस, बाकी पे ध्यान नहीं देना है। एग्रीकल्चर मैनेजमेंट बैंकिंग एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन जो बताएं, डाइवर्सिफिकेशन उसका मतलब ये मत समझिएगा, डाइवर्सिफिकेशन करने का मतलब दोनों प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन भी होता है, अलग अलग प्रोडक्ट करिए, और क्या बोलते हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग क्रॉप करिए, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन यानी कि प्रोडक्ट यानी कि आप खेती भी करिए साथ ही साथ आपको पशुपालन भी करिए, दुकान वगैरह खोलिए, कुछ और करिए खेती का, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। अब एक होता है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग क्रॉप को लगाइए, तो उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन। तो ये अलग टॉपिक था, तो यहाँ पर ध्यान देना किस में सब काम, जब क्रियाकलाप हो रहा है सब, तो ये सब जब काम होगा तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग का काम होगा, ठीक है ना। चलिए 14 के बाद 15 नंबर, व्हाट इज द नेम ऑफ द वेजिटेबल एंड फ्रूट मार्केट इन आंध्र प्रदेश। अब याद रखना होगा, इसमें तो कुछ दिमाग लगाना है नहीं कि आंध्र प्रदेश में एक मार्केट है तो उसका क्या नाम है, ठीक है ना, वेजिटेबल एंड फ्रूट का मार्केट। तो अपनी बाजार अपनी मंडी तो आपका चैनल हो गया सब। इसके बाद दूसरा है रायथूर बाजार, है ना, आंध्र प्रदेश वाला रायथूर होगा, रायथू बाजार, फिर इसके बाद वो हज़ार जो भी होगा आपका रायथू बाजार है, याद रखिएगा। चलिए अब तो फिर इन द ब्लैंक्स आ गया, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको बस जो भी होगा आंसर उसको याद रखना है, समझना है। चलिए कैसे याद होगा, पढ़ेंगे उसको तभी याद होगा। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के समय मनी लेंडर्स ट्रेडर्स जो भी होगा, और स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबरर, आज़ादी के समय ये सब जो थे वो यहाँ पर क्या करते थे इनको लिए, तो यहाँ पर भरना है तो उसके लिए आंसर देखिए क्या करते थे, ठीक है, सोच के भी बता सकते हो। सोचने के बाद आंसर में फिलिंग द ब्लैंक्स में बहुत कुछ सोचा जाता है, बहुत कुछ आंसर आ जाता है, इसलिए एक्यूरेट आंसर को देखिए याद रखिए। एक्सप्लॉइट करते थे उन लोग में, ठीक है ना, शोषित करते थे, हो गया काम खत्म। चलिए अदब आज हार्बिंगर ऑफ द मेजर चेंजेज इन क्रेडिट सिस्टम, तो क्रेडिट सिस्टम बहुत बड़ा चेंजिंग काम किया था कौन, ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया था, ठीक है, तो इसको भी देखिएगा, ठीक है। तो किसका काम किया था ग्रीन रिवॉल्यूशन, हार्बिंगर हेड, एकदम जिसको अगुवाई करना होता, अगुआ होता हेड जो काम करता तो वही था, ठीक है ना। तो चेंजेज इन क्रेडिट सिस्टम में तो ग्रीन रिवॉल्यूशन, चलिए इसी कारण चेंजिंग हुआ था बहुत ज़्यादा। बाई द मार्च 2003 सेल्फ हेल्प ग्रुप हैड बीन प्रोवाइडेड क्रेडिट बाय द बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम द्वारा इसको क्रेडिट दिया गया था 2000, तो कितना क्रेडिट दिया गया था, 7 लाख रुपए, याद रखिएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी लोन देता है ना बैंक, तो दिया था इतना, ठीक है। 19 नंबर, मोर देन 10% ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस इन फार्म्स वाज वेस्टेड ड्यू टू लैक ऑफ, किसके कारण बर्बाद होगा, स्टोरेज के कारण। तो कुछ कुछ क्वेश्चन तो पढ़ने के बाद ही मालूम आ जाता है, उसका आंसर भी आ जाता है, वैसे भी आंसर फिक्स रहता है, बदलने का चांस नहीं रहता है यहाँ पे, क्या रहे? और दूसरा कुछ है, बर्बाद कब होगा, स्टोरेज मेरे पास नहीं रहेंगे तो, ठीक है। चलिए द अल्टरनेट मार्केटिंग चैनल इन पंजाब हरियाणा, और इसको क्या बोलते हैं, आ गया आपका कौन मंडी था, सब मार्केटिंग चैनल जो है पंजाब हरियाणा राजस्थान में, अपनी मंडी ना, अपनी मंडी होगा, अपनी मंडी के नाम से एक मार्केटिंग चैनल है पंजाब हरियाणा इस समय उस टाइम में, तो उसको याद रखिएगा। इसके बाद मच मोर, कुछ टॉपिक समझ में जो नहीं है उसको गूगल वगैरह करके भी देख कर समझिएगा, केवल चैप्टर में अगर नहीं दिया है उसको तो अलग से भी पढ़ना पड़ता है। बुक पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं पढ़ेंगे तो कम से कम एक वीडियो का एक चैप्टर बनाया है उसको पढ़ लीजिएगा, वो भी नहीं होगा तो सब याद रखिएगा आंसर को, और क्या करिएगा। मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी आर कंसंट्रेटेड इन, कौन सा सीजन में सबसे ज़्यादा होता है एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी, लोग सबसे ज़्यादा काम कब करेंगे, जब धान का खेती होता है, ठीक है ना। धान का खेती कब होता है, धान का खेती आपका खरीफ सीजन में होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए प्रोवाइडेड सिस्टम इन विच द फार्मर्स आर एज्योर ए फेयर प्राइस एंड इनकम फ्रॉम द सप्लाई ऑफ मिल्क टू अर्बन मार्केट, इसका आंसर देखिए पहले। ऑपरेशन फ्लूड प्रोवाइड ए सिस्टम इन विच द फार्मर्स एज्योर ए फेयर प्राइस एंड इनकम फ्रॉम सप्लाई ऑफ मिल्क टू अर्बन, ठीक है। ऑपरेशन फ्लूड या फिर वाइट प्रोडक्शन भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक ऐसा सिस्टम था जिसके अंदर फार्मर क्या सुनिश्चित हो चुके थे, फेयर प्राइस, उचित प्राइस एंड इनकम फॉर मिलने लगा था, कहाँ से, जो बताया स्टोरी बताएं आनंद वाला, सप्लाई ऑफ मिल्क टू अर्बन मार्केट में सप्लाई करके, तो इस कारण हो गया था सब कुछ अच्छा।
ठीक है ना। फिर फार्मिंग रियलाइज हैवी ऑन द केमिकल फर्टिलाइजर एंड टॉक्सिक पेस्टिसाइड, फार्मर रिलाइज हैवीली ऑन केमिकल फर्टिलाइजर एंड टॉक्सिक पेस्टिसाइड। कौन सा फार्मिंग, कौन सा फार्मिंग? तो एक होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, एक होता अभी जो चल रहा है कन्वेंशनल, जो पहले से परंपरागत रूप से चलते चलते अभी भी हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं। तो कौन होता है कन्वेंशनल, हम लोग को करना क्या है, हम लोग को करना है अब ज़्यादा फोकस किस पे करना है, ऑर्गेनिक पे करना है, ये सब पे हटा देना है, सब पहले का है, पहले के साथ साथ अभी भी चल रहा है इसको कन्वेंशनल परंपरागत होता है। तो जो भी पहले से चलते आ रहे अभी भी, जब ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तभी से आपका ये सबका यूज बढ़ा हुआ है, अभी तक भी चल रहा था, हम लोग को शिफ्ट करना है किधर ऑर्गेनिक की तरफ। तो ऑर्गेनिक उतना है नहीं लेकिन फिर भी धीरे धीरे किया जाएगा। अब पूरा ऑर्गेनिक कर देंगे तो प्रोडक्शन में तो घट जाएगा ना, उसमें ज़्यादा लेबर वगैरह भी लगता है, प्रोडक्शन में कम होता है। तो लेबर तो हमारे पास लेबर है, चलिए अच्छा बात है, लेकिन और सब दिक्कत होगा ना इसके लिए। चलिए कुछ कुछ ट्रू और फॉल्स हैं तो इसको भी देख लीजिए और आपको देखिए क्या है। रूरल डेवलपमेंट मोस्टली डिपेंड अपॉन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एकदम सही होना चाहिए, देख लेते हैं ट्रू है। एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट यानी रूरल डेवलपमेंट हो रहा है। इसके बाद 25 इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट इंक्लूड मनी लेंडर्स ट्रेडर्स इंस्टीट्यूशनल में सब कहाँ से आएंगे, गलत ऐसे ही गलत हो गया, फर्स्ट लाइन में गलत मिल गया सब नॉन इंस्ट। मेजर अचीवमेंट ऑफ रूरल बैंकिंग ओवर द ईयर्स हैव बीन इफेक्टिव रिकवरी ऑफ लोन्स, मेजर अचीवमेंट ऑफ रूरल बैंकिंग तो फॉल्स होगा, फॉल्स होगा। अब कहाँ से अचीवमेंट रिकवरी कर पाया है लोन वगैरह को, नहीं ना कर पाया है, तो यही तो उसका दिक्कत था, तो फॉल्स होगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो पढ़े थे फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप हैव हेल्पड इन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, बेस्ट है एकदम, महिलाओं को शक्ति देने का काम करता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है ट्रू। द करंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी आर सफिशियंट टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन रूरल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जो अभी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो बुनियादी ढांचा है कंट्री का, इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है रोड रेलवे सॉरी जो बेसिक फैसिलिटी गांव में क्या होगा, लाइट वगैरह अच्छा सा है कि नहीं, तो आर सफिशियंट है पूरा है टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन रूरल एग्रीकल्चर टाइम जो मार्केटिंग है उसमें जो डिमांड किया जा रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम सही है, तो फॉल्स होना चाहिए, फॉल्स है, गाँव में बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है, ठीक है। उसके बाद अच्छा से रोड वगैरह बन जाएगा तब आपका रूरल एग्रीकल्चर मार्केटिंग सही से ग्रो कर पाएगा, ठीक है ना। तो मीट द ग्रोइंग डिमांड इन जो इसमें डिमांड हो रहा था इसमें गलत है, ठीक ठीक है। जो डिमांड बढ़ रहे हैं रूरल एग्रीकल्चर मार्केटिंग में तो सफिशियंट नहीं है, अभी और करना है इसमें प्रोग्रेस, ठीक है ना। तो करंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी और सफिशियंट जी नहीं अभी टू मीट द ग्रोइंग डिमांड, ये सब डिमांड को फुलफिल करने के लिए डिमांड ग्रोइंग डिमांड इन रूरल जो भी ये मार्केटिंग में गांव के मार्केट में जो डिमांड हो रहा है तो फुलफिल करने के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या सफिशियंट है, तो सफिशियंट नहीं है। एट प्रेजेंट लाइव स्टॉक सेक्टर जो भी था प्रोवाइड द अल्टरनेटिव लाइवलीहुड ऑप्शन फॉर इतना मिलियन स्मॉल स्केल मार्जिनल फार्मर लैंडर्स, क्या बोल रहा है। एट प्रेजेंट लाइव स्टॉक सेक्टर जो होता है पशुपालन प्रोवाइड्स अल्टरनेट लाइवलीहुड ऑप्शन ओवर 70 मिलियन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर एंड लैंडलेस, ठीक है लिबरल, ये सब जो मार्जिनल किसान फार्मर है जिन भूमिहीन किसान ये सब के लिए आपको लाइवलीहुड खेती वगैरह नहीं करेगा तो क्या करेगी, सब है नहीं आपके पास, तो 70 मिलियन को दे रहा है यानी कि ऑप्शन, ठीक है ना। तो अल्टरनेट लाइवलीहुड ऑप्शन दे रहा है यानी कि ट्रू होना चाहिए। हॉर्टिकल्चर इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, तो ठीक है, रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ एंड केयर ऑफ फार्म एनिमल्स सच एज कैटल शीप, गलत हो गया। हॉर्टिकल्चर तो एग्रीकल्चर से है लेकिन रिलेटेड टू मैनेजमेंट एंड केयर ऑफ फार्म वगैरह नहीं है, ये आपका फार्म वगैरह का काम यहाँ पर नहीं होता, कैटल शीप वगैरह का काम ये आपका लाइव स्टॉक में आ गया, ये आपका होता है आपका हॉर्टिकल्चर किससे, जिसमें का फल उगाइए फूल उगाइए, ठीक है ना, यानी कि लत्तर वगैरह उगाइए जो भी, तो फॉल्स होना चाहिए। द यूज ऑफ इको फ्रेंडली टेक्निक सच एज ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द इसेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जी हाँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास में यूज ऑफ इको फ्रेंडली टेक्निक को यूज करिए, ठीक है ना, मैन्यूर वगैरह का यूज करिए, जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया तो इससे क्या होता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए यह इसेंशियल हो जाता है, मतलब कि अच्छा हो जाता है जरूरी, तो बेस्ट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जानते हैं ना क्या होता है, हर एक जगह पढ़िएगा, वैसा डेवलपमेंट जो कि प्रेजेंट का बेसिक नीड को फुलफिल करे विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन को नीड से बिना कंप्रोमाइज किए हुए अभी का हम लोग करते रहे सब कुछ, ठीक है ना। यहाँ पर मिल सकते हैं किसे जो भी चापाकल वगैरह का फैसिलिटी है जो भी रिसोर्सेस है सबको ऐसा यूज करना है
आगे का हमारा जो है अल्टरनेटिव लेते रहे। चलिए चलिए लास्ट क्वेश्चन पहुँच चुका। 25 मिनट का वीडियो बना लेकिन एक एक लाइन से एक एक वर्ड से सबको रूबरू करा दिए। एक फुल फॉर्म नहीं बता पाए थे नबार्ड का, तो भी यहाँ पर बता दिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो कहीं से कुछ छोड़े नहीं है, ये आपका लास्ट आपका बचता मैचिंग द। तो वीडियो को पॉज करके एक बार मैचिंग करके देखिएगा, ये सब तो डाटा वगैरह है तो सोचने वगैरह से होगा ना, याद करना होगा। एक बार करके देखिएगा, हो जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं तो आंसर दिखा देंगे, उसको फिर याद रखना होगा। ठीक है, चलिए तो डायरेक्ट हम लोग आंसर ही दिखाते हैं, यहाँ पे उतना दिमाग लगाएंगे नहीं, इसके बाद खत्म हो गया लास्ट। चलिए क्या बोला, फर्स्ट इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट आपका आ गया, बैंक वगैरह का बात। नॉन इंस्टीट्यूशनल मनी लेंडर, एवरेज फ्रूट मार्केट इन आंध्र प्रदेश जो आया था वहाँ पर भी रायथू, फार्मर्स मार्केट इन तमिलनाडु में क्या है उजवर सान क्या संथाई याद रखिएगा, ग्रीन रिवोल्यूशन हेल्प सेल्फ फूड सफिशियंट में हम लोग हो सके अपने से सॉरी हेल्प अटेन सेल्फ सफिशियंसी इन फूड ग्रेन, ग्रीन रिवोल्यूशन हम लोग को किस में हेल्प करता है अटेंड करने के लिए सेल्फ सफिशियंट मतलब अपने से सब कुछ प्रोडक्शन कर सके क्या फूड ग्रेन्स को, तो हम लोग को यह मदद करता है ग्रीन रिवोल्यूशन, मदद किया था पास्ट चला गया ना। चलिए गोल्डन रिवोल्यूशन प्लान इन्वेस्टमेंट इन हॉर्टिकल्चर बिकम हाईली प्रोडक्टिविटी, ऐसा इन्वेस्टमेंट करना है जिससे कि हॉर्टिकल्चर में जो ज़्यादा प्रोडक्शन मिल सके। ऑपरेशन फ्लूड वही वाइट रिवोल्यूशन, वर्ल्ड बिगेस्ट डेयरी फार्म डेवलपमेंट क्या बोलेगा, वर्ल्ड में हम लोग सबसे नंबर वन पे इसमें। इसके बाद चलिए दो तीन और है, नबार्ड नेशनल बैंक आपको याद होगा तो बहुत खुशी हो रहा है हमको, हम पहले भुला हुए थे तो आपको डाउट मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। तो नेशनल बैंक फॉर किसके लिए एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कब हुआ था 1982 में, लॉन्च ऑफ किस, देखो पहले से कुछ याद रहता है एक बार पढ़ लीजिए तो तुरंत रिकॉल, एक बार पढ़िएगा तो भूलने का चांस रहता है, उसको बार बार इसीलिए बोलते हैं कि रिवीजन मेक्स मैन परफेक्ट। लॉन्च ऑफ किसान क्रेडिट केसीसी बहुत अच्छा है, कम लोन बहुत कम परसेंट क्रेडिट देता है, तो 1998 और 1999 में इसको लॉन्च किया गया था। और लॉन्च ऑफ क्या है विषय कृषि उपजन योजना जो भी इसका नाम याद रखिए 2004 में। तो कुछ कुछ योजनाएं हैं इस चैप्टर में देख लीजिए क्या कुछ कुछ स्कीम है, तो ये सबका नाम है फैक्ट है, तो फैक्ट वगैरह क्या होते हैं याद किए जाते हैं, इसमें उतना कुछ दिमाग नहीं लगाया जाता है। ठीक, बाकी डेवलपमेंट वगैरह कॉन्सेप्ट दे दिए, रूरल डेवलपमेंट क्या है, नबार्ड क्या है, ठीक है ना, कौन कैसे काम करता है इंस्टीट्यूशनल, थोड़ा सा चैप्टर को फिर रिकॉल करा दिए हैं, ऐसा नहीं केवल एमसीक्यू सब कुछ करा दिए हैं, और चैप्टर पढ़ाने के लिए तो पढ़ाई दिए हैं बेस्ट तरीका से, उसको देख सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, नए वीडियो में। बस मेरा सपोर्ट फुल है, आप लोग फुल सपोर्ट दिखाइए, रिजल्ट बेस्ट करिए ताकि 11-12 हर जगह बेस्ट कर सके, फ्यूचर में भी बेस्ट कर सके। चलिए तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक शेयर बनता है तो बनता है, नहीं तो डजेंट मेथड सीखते चलिए और सिखाते चलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।